साथियों, केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के ऑडिबल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका में एमोनियम म्यूरेटिकम के बारे में क्या समझाना चाहते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से समझने और जानने का प्रयास करेंगे हिंदी में। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो साथियों कि एक तरह का ऑडिबल सीरीज है जिसमें आपको सुनने को बेहतर कंटेंट मिलेंगे, ऐसे देख भी सकते हैं आप। तो घूमते टहलते कुछ भी करते रिलैक्स करते हुए आप 2-4 बार 5 बार जब रिपीटेडली इसको सुन लेते हैं तो आपको दवा लगभग लगभग याद हो जाती है जो भी डॉक्टर केंट साहब ने अपने लेक्चर्स में अपने मेटेरिया मेडिका में पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में बताया। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एमोन म्यूरेटिकम के बारे में। तो साथियों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है एमोन म्यूर, या फिर हम उसे कहें एमोनियम म्यूरिएटिकम। तो एमोन म्यूर के बारे में डॉक्टर केंट के विचार कुछ इस तरह से हैं। उनका कहना है, रक्त वाहिनियों की तरह ही समूचे शरीर में रोगी को अक्सर खौलने का भाव मालूम होता है। यहाँ पे डॉक्टर केंट कहना चाह रहे हैं कि एमोन म्यूर के पेशेंट को पूरे शरीर में हीट, एक अजीब तरह का हीट जो खौलने जैसा एक तरह का भाव महसूस होता है। रोगी को सर्दी सहन नहीं होती, खुली हवा में बहुत से उपसर्ग बढ़ जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी ठंड या बिल्कुल भी सर्दी वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, यहाँ तक कि थोड़ी सी खुली हवा में भी उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है साथियों दिक्कत, जो प्रॉब्लम जो समस्या है। गर्मी की झलक मालूम होती है जिसके अंत में पसीना आता है, फारने की तरह दर्द और बहुत अधिक चुनचुनी बनी रहती है, बिल्कुल मतलब शरीर में चुनचुनाहट महसूस होता है और फारने की तरह का दर्द होता है। श्लैष्मिक झिल्लियों में जलन, श्लैष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन आप समझ सकते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में बर्निंग और खाल उधर उधर जाने का भाव रहता है, मतलब लगता है जैसे कि स्किन पूरा निकल गया है, रप्चर पेन होता है। कंडराओं में खींचने या छोटी हो जाने का भाव रहता है। अब कंडराओं मतलब होता है साथियों आपके टेंडन्स, जिसको हम टेंडन समझते हैं, जो कि एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि आपके मसल को आपके बोन से कनेक्ट रखते हैं, मतलब जोड़ जोड़ के रखने का काम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कंडराओं में, कहने का मतलब है कि टेंडन्स में जो है खींचन का भाव, खींचने जैसा या छोटी हो जाने जैसा अनुभव होता है। यह दीर्घ काल तक कार्य करने वाली दवा है, इसके कई विश्वास योग्य मानसिक लक्षण प्रकट हुए हैं, चिंता, चिड़चिड़ाहट तथा कितने ही मनुष्यों के प्रति विराग, माथे में स्नायु सूल और वात का दर्द, फारने की तरह दर्द, कनपटी में सुई गरने फारने की भांति दर्द, खोपरी तथा शरीर के दूसरे दूसरे भागों में खुजलाहट, खसरा की तरह सारे शरीर में दाने। साथियों, खसरा आप जानते हैं कि मीजल्स को कहते हैं, तो खसरा की तरह यानी कि मीजल्स की तरह पूरे शरीर में दाने निकलते हैं। अब आपको बतला दूं कि खसरा के दाने जो होते हैं वो लाल लाल से दाने होते हैं या चकत्ते जैसे रैसेज की तरह के निकलते हैं, और एक तरह का खसरा एक बीमारी है जो कि एक तरह का वायरल बीमारी होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें सर्दी, लाल आंखें, लाल लाल रैसेज पूरे शरीर में निकलना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा फैटल भी होता है, खतरनाक बीमारी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो मीजल्स के तरह के दाने आपको शरीर में देखने को मिलते हैं। उसी के बाद लक्षण मिलने पर यह झिल्ली कोष के सर्दी को ठीक करता है, यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन, आप कोशिका झिल्ली जिसको जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, उसकी सर्दी को भी ये ठीक कर सकता है लक्षण मिलने पर, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आंख के सामने पीले दाग, धीमी रोशनी या चंद्रमा की रोशनी में पलक तथा आंख के गोले में जलन, चमकीली रोशनी में आंखों के सामने धुंधलापन मालूम होता है, ठंडी हवा में टहलने के समय कान में जलन, सुनने में तकलीफ, दाहिने कान, कंठ यानी थ्रोट में स्वर यंत्र की सर्दी, बहुत छींक, पानी की तरह जलन करने वाला स्राव। साथियों, पानी की तरह जलन करने वाला स्राव या फिर कटु स्राव हम वहां वहां कहते हैं जहां पे कि एक तरह का ऐसा डिस्चार्ज होता है जो कि स्किन को इरिटेट कर देता है, कई बार तो स्किन को पूरा उधेड़ देता है, ऊपर का पूरा लेयर खा जाता है जिसकी वजह से घाव जैसा हो जाता है, या फिर और भी बहुत तरह की चीजें होते हैं जैसे जलन रहना सिर्फ उसमें किसी तरह का खुजलाहट उत्पन्न कर सकता है, तो अलग अलग तरह के डिस्चार्जेस होते हैं। तो उसी के बारे में डॉक्टर केंट साहब बोल रहे हैं, पानी की तरह जलन करने वाला स्राव, इतने पर भी नाक बंद रहती है, स्वर यंत्र में जलन के साथ सर्दी का स्राव होता है, नाक की सर्दी की बंधी हुई दवा के रूप में तथा गले के घाव तथा स्वर यंत्र के प्रदाह में, प्रदाह मतलब होता है साथियों दर्द, तो प्रदाह में इन बीमारियों के लिए यहाँ पर करें कि गले के घाव या स्वर यंत्र यानी कि आपके बोलने में वोकल कॉर्ड में या फिर आपके गले में थ्रोट में किसी तरह का कोई घाव होता है उसमें दर्द होता है, तो उस बीमारी में प्राचीन
समय में यानी कि पहले के समय में लाल एमोनियम बड़े बड़े खंडों में उत्पन्न किया जाता था। एक साधारण छुरी से कई टुकड़े कर एक गिलास पानी में खुरच कर गला लिए जाते थे। उसके बाद लक्षणों पर ध्यान दिए बिना ही यह दवा दे दी जाती थी। कठिन सर्दी यानी कि जो सर्दी ऐसी सर्दी जो छोड़ नहीं रही है, कठिन सर्दी बुखार के साथ हो या बिना ज्वर के यानी बिना बुखार के, कितने ही बहुत जल्द आरोग्य हो जाते थे। अब इस दवा पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसके लक्षण खूब ध्यान से अध्ययन करने चाहिए। बहुत सी शिकायतों के साथ चेहरा बहुत पीला बना रहता है, यानी कि फेस पे आप फेस जो है पेशेंट का पेल ही नजर आता है आपको एमोनियम के केस में। तो बहुत सी शिकायतों के साथ चेहरा बहुत पीला बना रहता है, चेहरे की हड्डियों में फारने की तरह दर्द, बिल्कुल मतलब जैसे कि कुछ फार रहा हो उस तरह का दर्द, हड्डियों में सुई गाड़ने की तरह दर्द। एक कभी कभार आपने महसूस किया होगा कि एक अजीब सा एक चुभन जैसा कहीं कहीं दर्द उठ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सुई चुभने जैसा दर्द। मतलब आप दर्द को अलग अलग आप बांट सकते हैं, अलग अलग तरह के दर्द होते हैं। एक होता है फारने जैसा दर्द, जैसे कि कुछ फट जाएगा, मतलब लग रहा है कि बस्ट होने वाला है, अंदर से फटने जैसा लग रहा है। एक होता है कि कुछ कटने जैसा कि कट के गिर जाएगा उस तरह का दर्द, और यहाँ पे कहा जा रहा है सुई गिरने जैसा दर्द। आप कभी भी आपने महसूस किया होगा लाइफ में, अक्सर हम लोगों को कभी कभार हो जाता है नॉर्मली कि शरीर में कहीं पे लगा कि एक बार टीस मारने जैसा, बिल्कुल एकदम लगे पेनिट्रेटिंग पेन हो रहा है, एकदम जैसे कि छेद देगा, सुई चुभने जैसा दर्द। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, सुई गाड़ने की तरह दर्द, और उसी के साथ साथ निम्न हनु और कर्ण मूल ग्रंथि की सूजन। यहाँ पे निम्न हनु से मतलब है साथियों लोअर जॉ, आपका निचला जबड़ा, और कर्ण मूल ग्रंथि हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। तो आपके लोअर जॉ में और पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलता है, वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सुई गाड़ने की तरह दर्द के साथ निम्न हनु और कर्ण मूल ग्रंथि की सूजन, यानी लोअर जॉ और आपके पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। एमोनियम कार्ब की तरह मुंह और ओठ में जलन और खाल उधेरने का भाव। आप देख सकते हैं कि एमोनियम कार्ब में भी ये चीज बताया गया है कि मुंह में जलन और ओठ में जलन रहती है, तो उसी के तरह जलन आपको एमोनियम में भी देखने को मिलता है। जीभ फूली हुई रहती है, यह नए गलछत की बहुत ही लाभदायक दवा है, पर खासकर उस अवस्था में यह ज्यादा फायदा करती है जब लसदार श्लेष्मा और स्पष्ट जलन का लक्षण रहता है। यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं किन साहब की, ये एक जो आदत है उनके मेटेरिया मेडिका में उनके समझाने की, और इसीलिए लोग उनके मेटेरिया मेडिका को थोड़ा सा पसंद भी करते हैं कि वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको बार बार रिपीटेडली समझा देते हैं। जैसे कि डिस्चार्ज और डिस्चार्ज में बर्निंग सेंसेशन, जलन कहीं भी स्राव और स्राव के साथ जलन, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर सिम्टम हर पॉइंट में हर जगह पे रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको समझने योग्य है कि जलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी जो भी स्राव हो रहा है, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें बर्निंग सेंसेशन रहता है, तो उसी के ऊपर यहाँ कह रहे हैं कि खासकर उस अवस्था में यह ज्यादा फायदा करती है जब लसदार श्लेष्मा और स्पष्ट जलन का लक्षण रहता है, गर्दन और गर्दन की गांठों में टपक, बहुत सूजन, गर्दन और गर्दन की गांठों में टपक, बहुत सूजन, पीला चेहरा, कंठ में सुई गिरने की तरह दर्द, निगलने के समय बहुत दर्द, प्यास रहे या न रहे, वे सब लक्षण रहने पर इससे विशेष लाभ होता है। खाए हुए पदार्थ की डकार आती है और वमन होता है, वमन मतलब होता है साथियों वोमिटिंग, उल्टी। तो खाए हुए चीजों की डकार आती है और उसी के साथ साथ उल्टी भी हो जाती है, जो हम खाते हैं उसी की उल्टी हो जाती है। भरापन के साथ भूख लगने का भाव, मतलब कि पेट में एक तरह का भरापन भी महसूस होता है और भूख भी लगता है, मतलब कहते हैं कि भूख भी लगा है और खाने की इच्छा भी नहीं है। तो ये वाली चीज वो बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भरापन के साथ भूख लगने का भाव, यह पेट फूलने की अवस्था है, खालीपन का भाव, पेट एकदम खाली जैसा लगता है, पेट और प्लीहा में चबाने की तरह दर्द, मतलब कुछ कुतर रहा है, कुछ काट रहा है इस तरह का दर्द, तलपेट में जलन, मतलब कि आपके लोअर एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन, आपको एमोनियम में बर्निंग सेंसेशन जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे तलपेट में जलन, लोअर एब्डोमेन में जलन, सुई गिरने और फारने की तरह दर्द, मतलब कि कुछ निडिल चुभने की तरह या कुछ फारने की तरह दर्द होता है, वायु के कारण पेट का तना रहना, मतलब कि पेट में इतना गैस बना रहता है कि पेट बिल्कुल टाइट रहता है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड एब्डोमेन
आपको देखने को मिलता है, पेट टाइट हो जाता है असाइटिस की तरह। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वायु के कारण पेट का तना रहना, आंतों में बहुत गड़गड़ाहट रहती है, मतलब बहुत ज्यादा गैस के वजह से, गैस के मूवमेंट की वजह से गड़गड़ाहट आपको सुनाई देती है आंतों में। मासिक ऋतु श्राव के समय तलपेट और पीठ में दर्द, तलपेट मोटा यानी कि लोअर एब्डोमेन में मोटा ढीला और भारी हो जाता है और निम्नांग छीन हो जाते हैं, मतलब लोअर लिम्ब जो है वो आपके वीक हो जाते हैं। पखाना होने के समय और बाद में बहुत देर तक मल नली और मल द्वार में जलन रहती है, मतलब स्टूल पास करने के बाद जो है आपको एनस में जलन मतलब बर्निंग सेंसेशन आपको महसूस होता है तथा खाल उधेरने का भाव बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि स्किन जो है वहां का वो छिल गया है। जब भी स्टूल से आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि एनस में पखाने के रास्ते में जलन का भाव और लगता है इसे कुछ छिल सा गया है, लटी होने के बाद छिलने का जलन महसूस होता है। जलन आप फिर से देख रहे हैं कि जलन एमोनम्यूर में आपको जलन हर जगह बतलाया गया है। मलद्वार तथा अंडकोश के बीच की सीवनी संधि में सुई गरने और फारने की तरह दर्द, ये आपको अक्सर पखाना से आने के बाद महसूस होता है, आफ्टर स्टूल पासिंग ये आपको फील होता है कि आपका जो एनस होता है और जो आपका स्क्रोटम होता है दोनों के बीच में देखते हैं कि एक लाइनिंग जैसा, एक लगता है जैसे कि सुई धागा से सिया हुआ है, उस तरह का एक एरिया है जो कि ज्वाइंट होने जैसा लगता है, जैसे किसी तरह का सील हो किसी बैग का, उस जगह पे टीस मारने जैसा चुभने जैसा दर्द कभी कभार आपको देखने को मिलता है। और नॉर्मली एक आध बार कभी हो किसी वजह से, किसी स्ट्रेन से, तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार जब ज्यादा वो चीज फील होने लगता है और खास करके पाइस वगैरह के केस में और इस तरह के एनल से जुड़े हुए, एनएस से जुड़े हुए किसी तरह के प्रॉब्लम में इस तरह की शिकायत मिलती है, और वहां पे आपको डॉक्टर खेड़ साहब बता रहे हैं कि एमोनम्यूर बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। करा टुकड़ा टुकड़ा मल पखाने के समय निकालने में बहुत तकलीफ होती है, औद्रिक पेशियों से जोर लगाना पड़ता है, यानी कि आपका पूरा का पूरा एब्डोमिनल प्रेशर, पूरा पेट से एकदम पूरा ताकत आप मसल से फोर्स लगाते हैं। इसकी भांति सभी एमोनिया के लक्षणों में दर्द भरा बवासीर रहता है, इसे ऐसा अतिसार आरोग्य किया है, अतिसार मतलब साथियों डायरिया डिसेंट्री, इसे ऐसा अतिसार आरोग्य किया है जिसमें मल आंतों की खुरचन की तरह रक्त भरा और पानी की तरह पतला होता है, साथ ही सवेरे के वक्त हरे चिकने दस्त आते हैं। एमोनियम कार्बोनिकम की तरह मासिक ऋतु श्राव के समय अतिसार, पतले दस्त और कय, बढ़ी हुई मूत्राशय मुखसाई ग्रंथि तथा वर्धित जरायु की बीमारी इससे आरोग्य हो गई है। एमोनियम कार्बोनिकम यानी एमोन कार्ब की तरह ही इसमें भी मासिक ऋतु श्राव के समय अतिसार होना देखने को मिलता है और पतले दस्त और कय आती है। बढ़ी हुई मूत्राशय मुखसाई ग्रंथि तथा वर्धित जरायु की बीमारी इससे आरोग्य हो गई है। वर्धित जरायु यानी कि कोरियोन का बढ़ना, कोरियोन का बढ़ा हुआ रूप, वर्धित जरायु की बीमारी हो, कोरियोन बढ़ रहा हो, या फिर आपकी मूत्राशय मुखसाई ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहा हो, दोनों ही बीमारियों में एमोनम्यूर बहुत फायदेमंद दवा है। उसके बाद हर महीने बहुत जल्द ऋतुस्राव हो जाता है, साथ ही पीठ और तलपेट में दर्द होता है, यानी कि हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ा हुआ रहता है, हर महीना मेंस जो टाइम फिक्स होता है वो अपने समय से पहले आ जाता है। बहुत कुछ एमोन कार्ब की तरह ही स्राव काला और थक्का थक्का होता है, क्लॉटेड ब्लड निकलता है मेंस्ट्रुएशन के डिस्चार्ज में। मासिक ऋतु श्राव के समय अक्सर आंतों और मलांत्र से रक्त श्राव होता है और इसके साथ ही हैजे की तरह के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि मासिक ऋतु श्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो है अक्सर आंत में यानी कि आपके इंटेस्टाइन्स में और मलांत्र यानी रेक्टम से ब्लड डिस्चार्ज होता है और आपको हैजे यानी कॉलरा जैसा सिम्टम्स जो है आपके ऊपर आने लगते हैं, यहाँ पे डिसेंट्री, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज आपको देखने को मिलता है। कॉलरा आप जानते हैं खतरनाक पानी से फैलने वाला बीमारी था, संक्रमित पानी के वजह से यह बीमारी अब फैला था, यह कहना गलत होगा, आज भी हो सकता है बीमारी है, लेकिन अब इसके उपाय हैं। एक समय में कॉलरा बहुत खतरनाक रहा है और उसके बहुत भयंकर रूप दुनिया में दुनिया भर ने देखा है। तो उसके बाद साथियों
जरायु से बहुत अधिक रक्तस्राव, बहुत ज्यादा और बिना किसी दर्द के श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर का अर्थ होता है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरियल डिस्चार्ज। तो बहुत ज्यादा और बिना किसी दर्द के श्वेत प्रदर, तलपेट और मासिक ऋतुस्राव के सभी लक्षणों के साथ बहुत ज्यादा वायु निकलती है, मतलब गैस फ्लेटस छूटती है और आंतों में गड़गड़ाहट का सूल का दर्द रहता है। ये लक्षण खासकर पीली, दुबली पतली और कमजोर औरतों में ही प्रकट होते हैं। स्वर यंत्र तथा छोटी छोटी श्वास नलियों तक फैलने वाली सर्दी की बीमारी, जिसमें सुई गरने और फारने की तरह दर्द और जलन होती है, यह लाभ करता है। स्वर भंग तथा स्वर रोध, इसके साथ ही स्वर यंत्र में जलन। स्वर भंग मतलब कि आवाज बैठ जाना, आप समझ सकते हैं। स्वर रोध, उसके बाद इसके साथ ही स्वर यंत्र में जलन, यानी कि आपके बोलने में, आपके वोकल कॉर्ड में जो एक तरह का जलन महसूस होता है, आपके गले में जलन महसूस होता है। स्वर यंत्र में बराबर खासकर बलगम निकला करता है, बलगम यानी कि म्यूकस। तो स्वर यंत्र से बार बार जो है बलगम निकला करता है। बाहुओं से काम लेने या हाथ से परिश्रम करने पर श्वास में तकलीफ होती है, मतलब बाहु मतलब आपके हाथ, हाथों से काम लेने पर या हाथों से परिश्रम करने पर आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। खुली या ठंडी हवा में छाती पर भार मालूम होता है। खुली या ठंडी हवा, आपको शुरू में भी बोला है कि ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, तो खुली या ठंडी हवा में छाती पर भार महसूस होता है। स्वर यंत्र में लगातार सुरसुरी के कारण सूखी खांसी। स्वर यंत्र में आपके गलगली में जो है एकदम सुरसुराहट, एक फुसफुसाहट सा महसूस होता है, जिसके वजह से बार-बार खांसी आती है। कफ नहीं रहता, सूखी खांसी होती है, वो सुरसुरी की वजह से ही खांसी उठती है। उसके बाद नित्य ही श्वास रोध करने वाली खांसी का दौरा होना, यानी कि खांसी इस तरीके से अटैक करती है कि सांस रुकने जैसा फील होने लगता है। तो उसीलिए कहा जा रहा है कि नित्य ही श्वास रोध करने वाली खांसी का दौरा होना। कमजोर मनुष्य जो यक्ष्मा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, जिन्हें रोजाना सूखी खांसी आती है और नारी तेज रहती है। अब यहाँ पे समझने का बात है कि डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि एमोनम्यूर उनके लिए भी लाभदायक है जिनको कि एक होता है, एक चेहरा होता है, एक ऑरा होता है, जिसको कि देख करके आप बतला जाएंगे कि ये पेशेंट टीबी जैसा होते जा रहा है, ट्यूबरकुलर होते जा रहा है। उसको देख के लगेगा कि तुमको टीबी, भले ही उसे टीबी ना हो, लेकिन आप देख करके उसे पूछ देंगे कि क्या भाई तुम्हें टीबी हो गया है क्या, टीबी का जांच करा लो एक बार। तो उस तरह के लोगों के लिए जिनको कि देख के ही महसूस होता है टीबी का मतलब क्या, शरीर सूखते चला जाएगा, वजन कम होगा, खांसी लंबे समय से रहेगी, छूटेगी नहीं और ब्लड वगैरह आ रहा है, तो उसका मतलब तो टीबी आपको हो ही गया है। तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए जिनको कि टीबी जैसा उभार शरीर पे सिम्टम्स धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, तो उनके लिए एमोनम्यूर एक बहुत अच्छी दवा है, उनको टीबी से बचा देगी, उनको होगा ही नहीं, उनको टीबी का इलाज ही नहीं कराना पड़ेगा। उसके बाद कमर की रेखा के पास पीठ में तेज दर्द, यह रात में बढ़ जाता है। कंधों के बीच ठंडक मालूम होती है। अंग प्रत्यंगों में सुई गरने, खींचने या फारने की तरह दर्द, प्रत्यंगों में खींचन मालूम होता है। निम्नांगों की पेशियों और कंडराओं में तनाव रहना, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके लोअर, खास करके इसमें बताया जा रहा है दर्द के बारे में, एमोनम्यूर के बारे में ध्यान रखें कि निम्नांग यानी कि आपके लोअर लिम्स जो है, लोअर लिम्स के टेंडन्स हो, लिगामेंट्स हो, उसमें दर्द महसूस होता है, उसमें बहुत ज्यादा तनाव रहता है, खींचने का भाव रहता है, लगता है कुछ खींच रहा है। तो इस तरह का दर्द जहां आपको देखने को मिलता है, वहां एमोनम्यूर बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको। उसके बाद आगे देखते हैं, चलने के समय जांग के पिछले भाग में तनाव, रात के समय बिछावन में पैर ठंडे हो जाना, मतलब रात के समय बिछावन में पैर ठंडे रहते हैं। रात के पिछले भाग में ज्यादा रात्रि स्वेद यानी नाइट स्वेट्स होते हैं, गर्मी की झलक और बुखार। यदि पाठक यानी जो हम पढ़ रहे हैं, तो यदि पाठक इसके परीक्षा काल यानी कि उसके टेस्ट टाइम अगर हम देखें, टेस्ट पीरियड जो है, तो यदि पाठक इसके परीक्षा काल के लक्षणों का सावधानी से अध्ययन करेंगे, तो इस दवा का बताए हुए मौकों पर ठीक ठीक व्यवहार तो कर ही सकेंगे। साथ ही ऐसे भी कितने प्रयोग देखने में आएंगे जिनको नहीं बताया गया है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, जो डॉक्टर केंट अपने मेट्रिया मेडिका में एमोनम्यूर के बारे में बतलाते हैं। मेरा पूरा कोर्सिस था कि आपको वो वर्ड्स, खास करके जो थोड़ी सी ज्यादा प्योर हिंदी हो जाती है, क्योंकि मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने इसके बारे में कमेंट भी किया था कि सर एक तो आप फास्ट बोल रहे हैं और दूसरा कंप्लेन था कि बहुत ज्यादा प्योर हिंदी हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको मैं सुधार रहा हूँ धीरे धीरे, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो धीरे धीरे वो सुधरेंगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, आप बस बतलाते जाएंगे क्या करना है और मैं
बस आपके आपसे सीखने के लिए बैठा हूं। तो कमेंट करना कभी ना भूलें, जो भी कमेंट करने जैसा लगे प्लीज कमेंट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका हिंदी ऑडिबल रूप में आपको मुझे लगता है कि सिर्फ इसी चैनल पे अवेलेबल होगा। तो उसी के साथ साथियों शेयर जरूर करेंगे, उन सभी साथियों से शेयर कर ले जो होम्योपैथी से जुड़े हैं, क्योंकि इस चीज की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं को पड़ सकती है। अब पढ़ना एक टफ काम है, उससे बेहतर है कि आप आराम से सुन लें। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।